तेल के खेल में पहला सवाल उठता है, सरकार की मंशा किसको फायदा देने की है, क्योंकि डीजल का दाम बढ़ाया गया है, दाम बढ़ोतरी अपने आप में काफी है लोगों की कमर तोड़ने के लिए। एक मैं अलग सवाल पूछ रहा हूं आपसे, डीजल का दाम 40 रुपए कुछ पैसे किया गया है, रसोई गैस का दाम भी 50 रुपए बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी भी उसकी 395 रुपए कुछ पैसे है। ये कुछ पैसे वाला खेल क्या है? 396 क्यों नहीं कर दिया जाता है, 41 रुपए क्यों नहीं कर दिया जाता है, जबकि आम आदमी इतना ही पैसा दे रहा है सरकार को या डीलर को? देखिए, ऐसा है कि एक बार करीब 15,000 जो पेट्रोल पंप अटेंडेंट हैं वो मेरे पास आए थे एक बार 2 साल पहले। ये सारे के सारे टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं, इनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है जो पेट्रोल पंप वाले देते हैं। उन्होंने कहा जी कि आप हमारा, हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी रेगुलराइज हो जाए। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो रही आपकी नौकरी रेगुलराइज? वो मुरली देवरा से भी मिले थे जाके। वहाँ क्या है कि हर अटेंडेंट ने कहा जी कि हमको ये बताया जाता है कि आप जो लोग जो हैं पेट्रोल खरीदते हैं 300 रुपये का डाल दे, 200 रुपये का डाल दे, क्योंकि चेंज किसी के पास होता नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, हर मीटर जो है वो इतना फिक्स हुआ हुआ है कि हर पेट्रोल पंप अटेंडेंट कम से कम रोज 1,000 रुपया रोज का पेट्रोल कम देता है लोगों को। मशीनें ऐसे ही फिक्स हैं, वो कर रखा है। वो कहते हैं कि हम आपको परमानेंट इसलिए नहीं बना सकते कि आपको हम तनख्वाह कुछ नहीं देंगे, आप हमको 1,000 रुपये में से 600 रुपये दे जाओ और 400 आप रख लो, वो आपकी तनख्वाह हो गई। मैं आपको 10,000 एफिडेविट देने को तैयार हूँ, और ये बात मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर को चैलेंज करके कह रहा हूँ कि क्या वो किसी पेट्रोल पंप के 2-4 अटेंडेंट्स को छोड़ के किसी का परमानेंट लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिखा सकता है? अगर वो नहीं दिखा रहा तो ये पूरा रैकेट चल रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसमें सरकार की मिली भगत है, टोटल मिली भगत है। पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है उसके पास ही लोग जा जा के रो चुके हैं। वो पेट्रोल पंप का मालिक कहता है जब तेरे 400 रुपये रोज के बन रहे हैं तो तेरी तनख्वाह हो गई, तू मेरे को 600 रुपये और दे इसमें से ला के, जो रोज जो तू करता है वहाँ बैठकर। तो ये सारा का सारा रैकेट पेट्रोल पंप के मालिकों, सरकार और बेचारे वो जो फंसे हुए हैं बीच के अंदर, उनको नौकरी की जगह वो आप ही को जो पेट्रोल कम देते हैं उससे वो अपना काम चलाते हैं, ये आप लगा लें, इसीलिए यहाँ पे नहीं हो रहा। सरकार को क्या फायदा होता है इसमें? देखिए, सरकार को फायदा इसमें ये है, एक आपको सबसे बड़ा फायदा बताएं, जैसे कई कंट्रीज के अंदर सरकार ऑयल के बिजनेस में घुसती नहीं है, ना वो ऑयल इंपोर्ट करती है ना वो कुछ करती है। हमारे हो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रहा है इस देश में रैकेट, जिसमें लाखों करोड़ खाया गया है आज़ादी के बाद से, कि सरकार का जो खरीदने वाला होता है, चाहे वो ONGC हो चाहे वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, वो जाके कमोडिटी फ्यूचर्स पे जाता है। आप सुनिए जरा इस बात को, आप अगर प्राइवेट बिजनेसमैन हैं तो जब आप स्पेकुलेट करते हैं कि मेरे को इस तारीख पे इसको दे दोगे, फ्यूचर्स का मतलब यही है कि अगले 6 महीने से लेके इस तारीख से इस तारीख के बीच में इस रेट पर देगा, चाहे इंटरनेशनल मार्केट का रेट कुछ भी हो। ये जुआ सरकार खेलती है यहाँ पर, वो जुआ नहीं खेलती, जुआ वो खेलती है आपके पैसे से। वो क्या करते हैं, मान लीजिए वो कमोडिटी फ्यूचर्स का एक स्पेक्यूलेटर्स बैठे होते हैं, वो कहते हैं साहब हम आपको अगले 4 महीने की सप्लाई इस रेट पर दे देंगे। वो कहता है इसमें तुम $3 पर लीटर और ऐड कर लो, $3 पर बैरल और ऐड कर लो इसके अंदर, और वो मेरे जो $3 हैं हम कर लेते हैं, वो $3 तो मेरे जमा करा दे वहां पे बैंक के अंदर। जो सरकार जो ये कहती है कि सरकारी कंपनियों को घाटा हो रहा है, ये सरकार मर जाएगी, आप इस सरकार की लाश उड़ा देना, ये सरकार तेल का धंधा खुद अपने हाथ से कभी बाहर नहीं जाने देगी। वो जो $3, देखिए अगर नुकसान हो गया तो वो आपकी जेब से गया, उसको तो हर बैरल के ऊपर सरकारी एजेंसीज $3, $2, $4 जैसे मर्जी डील फंस जाए वो उनका जमा हो गया। और ये जो बोलते हैं कि साहब इंटरनेशनल एजेंसी का बाजार में दाम बढ़ गया है, तुम कल खरीद के लाए हो जो आज बढ़ गया है, आपने तो पहले ही कर रखा है उससे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। और ये जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट तब किए जाते हैं जब बाजार के अंदर तेल का दाम बिल्कुल गिरा होता है, मेरी बात आप समझ, एकदम गिर जाएगा, उस समय जाके ये अगले 4-6 महीने का भाव करते हैं। अगर पैसे पर अगर जो मुनाफा होता है वो तो पब्लिक को नहीं देंगे, ये आपको बोलेंगे देखिए आज क्या भाव हो गया है। दूसरा इन्होंने जो सबसे बड़ा रैकेट चला रखा है कि जितना भी पेट्रोल आता है सब पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अब इन्होंने थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटी कल कहते हैं ना हमने घटाई, आप इंपोर्ट ड्यूटी क्यों, आप क्यों लगा रहे हैं सब पेट्रोल पे? कल को अगर इस देश में पानी, पीने का पानी खत्म हो जाए तो क्या आप पीने के पानी पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे? क्या ये इस देश में पानी पीने को ना हो तो क्या आप उस पर टैक्स लगाएंगे? ये जो टैक्स का पैसा लगता है, आप देखिए पेट्रोल का दाम जो हिंदुस्तान में है आज की तारीख में 56-58 जो भी चल रहा है 60 रुपया,
आपको अमेरिका में दाम 45 रुपए का इस समय भी लीटर का क्यों है? वो गवर्नमेंट आती नहीं है, वो तो लोग ठीक हैं जो बाजार के भाव से चले। यहां पर ये सारा टैक्स जो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में नहीं जाता है। इस समय कोई आग नहीं लगी इस देश के अंदर डीजल के प्राइसेस के अंदर या पेट्रोल के प्राइसेस। विश्व बंधु गुप्ता जी ने एक नया खुलासा किया है कि जो तेल के दाम पे पर्चियां कटती हैं वो पर्चियां सीधे सरकार के, वो पर्चियां पहली बात तो पूरी तरीके से कटती नहीं है, जिसका पैसा डीलर को मिलता है, तेल कंपनी को मिलता है, यही कह रहे हैं? बिल्कुल, वो सीधा वहां से मैन्युफैक्चरर के पास से पॉलिटिशियंस और जो रिफाइनर है उसके बीच में पूरी की पूरी डील है। 90% इस देश की रिफाइनिंग पूरे तेल की सिर्फ एक कंपनी करती है, हम नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और वो पैसा लाखों करोड़ बढ़ता है उसके बीच में। आज से बीएसपी के एक एमपी हैं, रिलायंस कंपनी बात कर रहे हैं? नहीं, आप कर रहे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, एकमात्र कंपनी वही है। अब जो भी है, खैर वो आप लीजिए नाम। एक बीएसपी के एमपी अब थे राशिद अलवी जी, उन्होंने अब तो कांग्रेस में है, उन्होंने 2000 कंपनियां पकड़ी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी और कंपनी जो रिफाइनरी करती है, जो सिर्फ ये अर्न बिगर टैक्स के हुआ पैसा पेट्रोल पंपों के अंदर डालती थी। आज तक उन 2000 कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हुई। ये जितना भी आज पैसा बट रहा है ये सारा पॉलिटिशियंस की जेब में जा रहा है। डीजल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में जो आज बढ़ाया गया कल 3 रुपए लीटर से, उससे कम है। पेट्रोल का प्राइस सारी दुनिया में कम है। यही एक ऐसा मुल्क है जहां के ऊपर लोग ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं और वो पैसा सरकार के खजाने में भी नहीं जा रहा, वो पैसा खाया जा रहा है लेकिन खजाने में दिखाया जा रहा है साहब अभी भी हमको 1,20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये रैकेट है और इसीलिए आप देखिए जितने करप्ट इमेज वाले मिनिस्टर्स हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, आज तक कोई ईमानदार मिनिस्टर अपॉइंट नहीं होता। और एक बात आपको और बता दे, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का हर सीनियर ऑफिसर घूस लेके अपॉइंट होता रहा है पिछले 25-30 साल से। एक बड़ा खुलासा है विश्व बंधु गुप्ता जी ने किया है। हम आगे भी बता दें आपको कि मलेशिया जैसे देश में, जो गरीब देश है, वहां भी पेट्रोल की कीमतें 28 रुपए, दो तरह की पेट्रोल की कीमतें होती हैं, वहां एक 28 रुपए का पेट्रोल मिलता है, एक 42 रुपए का पेट्रोल मिलता है प्रति लीटर। उसके बावजूद भी भारत में ये रेशियो बहुत ज्यादा है, 65 रुपए के करीब इस समय मिल रहा है। आंकड़े ऐसे बताए जाते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान हमसे भी ज्यादा करप्ट है। आप उन लोगों से बात कंपेयर नहीं करेंगे जहां ईमानदारी चल रही है, आप अमेरिका से नहीं करेंगे कंपेयर। आप कल को आप मेरे को अफगानिस्तान में कहोगे 200 रुपए का बिक रहा है, तो अफगानिस्तान में तो तालिबान बेचेंगे ही 200 रुपए का जो अफीम बनाते हैं। आप यहां के जो मंत्री हैं, शर्म नहीं आती, ये अपने आप को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, ये अपने आप को कंपेयर करेंगे अफगानिस्तान से। अरे और दुनिया में जो 125 कंट्रीज में सस्ता बिक रहा है यहां से, उससे कंपेयर आप क्यों नहीं करते हो? बदमाशी देखिए आप। और मैं बोलता हूं ये सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दीजिए, इंटरनेशनल कंपनीज के हाथ में दे दीजिए। आपको मट्टी का तेल जो सबसे सस्ता बिकता है, जिसमें सब्सिडी होती है, 41 रुपया लीटर इस समय मट्टी का तेल का दाम है बांग्लादेश के अंदर। क्या बांग्लादेश के अंदर अमीर रहते हैं? बांग्लादेश में भी उतने गरीब लोग रहते हैं जितने हिंदुस्तान रहते हैं। क्या वहां पे सुइसाइड हो गया? क्या बांग्लादेश की रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कम है? सारा का सारा मट्टी का तेल 70% यहां से चोरी से बांग्लादेश जाता है, बर्मा जाता है, नेपाल जाता है, पाकिस्तान जाता है। और ये जो 14-15 का रेट रखा है और यहां के लोगों को देते नहीं है वो मट्टी का तेल, और उसके अंदर जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होता है हर मट्टी के तेल के लीटर के ऊपर ये कम से कम 15 या 18 रुपए पॉलिटिशियंस मिलके खा जाते हैं। ये इस देश की कहानी है, गरीब के नाम पे भी लूट, उधर हर तरह से लूट। और मैं बोलता हूं ये जयपाल रेड्डी जी मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाएं सामने, मैं उनको आंकड़े लाके दिखा दूंगा कि केरोसिन हिंदुस्तान में 40% से ज्यादा गरीबों के हाथ में जाता ही नहीं है, 60% जो है वो चोरी करके बांग्लादेश जाता है, वहां बीच का जो होता है वो आपस में बटपुटा जाता है। और एक सबसे बड़ी दुख की बात यह, इस देश का हर पेट्रोलियम मिनिस्टर, हर पेट्रोलियम सेक्रेटरी पिछले 25 साल से वही औद्योगिक घराने अपॉइंट कराते हैं घूस देकर, जिससे उनकी इक्वेशन बन गई। देखा आपने सरनम की किस तरीके से, कितनी शर्मनाक तरीके से पूरे तेल का खेल चल रहा है, इसके बावजूद सरकार चुप्पी साधी है। ईमानदार प्रधानमंत्री की बात करें, मनमोहन सिंह की बात करें, ऐसा नहीं होगा कि उनको ये जानकारी नहीं होगी। इसके बाद सरकार की मंशा पे क्यों ना सवाल उठाया जाए।